दबंग का बालू से भरा ट्रैक्टर रोकना भारी पड़ गया। बालू माफियाओं ने झगड़े के दौरान सिपाही पर ट्रैक्टर पलटा दिया, जिससे घायल हुए सिपाही को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मामला निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर का है, जहां एसडीएम एवं पुलिस की नाकाबंदी में रेत का अवैध उत्खनन करने वाले ट्रैक्टरों को पकड़ा गया, जो बालू घाट से बालू ला रहे थे। वहीं जब एक अन्य बालू से भरे ट्रैक्टर को रोका गया, तो ट्रैक्टर चालक ने पहले तो पुलिस कर्मियों से झगड़ा शुरू कर दिया, उसके बाद ट्रैक्टर को ही पलटा दिया, जिससे चेकिंग कर रहा सिपाही उसके नीचे दब गया और उसे गंभीर चोटें आई हैं। घायल सिपाही को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जब तक पुलिस बल वहां पहुंचता, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कोई सूचना मिली था आपको कि रेत का ट्रैक्टर भर के पृथ्वी पर आ रहा है? जानकारी मिलने पर साहब तत्काल रवाना हुए गाड़ी में, तो ये रास्ते में ट्रैक्टर मिला, रास्ते में रोका, रोकने का उसने प्रयास किया, रोका नहीं, भागने का प्रयास किया, उसको गाड़ी लगा के रोक लिया, फिर उसको बंद करा दिया, फिर उसे उसके बाद उसके साथ बैठकर ट्रैक्टर आगे किया, साहब की गाड़ी पीछे, फिर उसके बाद थाने ले जाने की चला, उसने भागने का प्रयास किया, तो जब वो भागा और उससे कहा धीरे धीरे चलो, तो धीरे नहीं चल गया, उसने जानबूझ के ट्रैक्टर को पलटा दिया। तो क्या मकसद रहा होगा उसका? उसका मकसद ये होगा कि हम इसको पलटा के और जो लोग दब जाएं और हम भाग जाएं, और उसने भागने की कोशिश की ड्राइवर ने, उसको मैंने पकड़ भी लिया साथ में। आपको जान से मारने का प्रयास किया गया? तो कुछ लोगों ने बताया कि जो है रेत वगैरह उत्खनन करके लाई जा रही है, तो दो ट्रैक्टर ट्राली हमने जब्ती में लेके पुलिस थाने पर खड़ाई करवाई, और उसी के सर्वेक्षण के लिए हम इधर आए हुए थे जीरोन रोड पर, तो यहाँ पे पाया कि जो है एक ट्रैक्टर ट्राली में रेत भर के और ले जाई जा रही है, तो हमने उस ट्रैक्टर ट्राली को रोका और उसमें तीन चार लोग बैठे हुए थे, तो वो जो है मेरे पास क्योंकि पुलिस जवान वगैरह कम थे, तो उनको उतारा हमने जैसे थे, ट्रैक्टर खाली करवाया, हमने कहा चलो इसको थाने पर ले चलो, तो वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे, फिर हमने जो है एक हमारे जवान था साथ में गार्ड, तो उसको हमने ट्रैक्टर ट्राली में बैठा दिया, और जो ट्रैक्टर में उनके बैठे हुए थे मजदूर वगैरह उनको उतार के, और हमने ट्रैक्टर जो है वो थाने के लिए रवाना किया। तो उस ड्राइवर ने क्या किया कि तेज़ी से ट्रैक्टर दौड़ाया, और वो ट्रैक्टर जो है दौड़ा के हमारे जवान ने उसको बोला कि भाई धीरे चलो धीरे चलो, और मेरी गाड़ी पीछे ही थी तो रोकने का उसने प्रयास किया कि धीरे चलो, हमने भी आवाज़ लगाई लेकिन वो नहीं माना, और उसने जानबूझ के जो है गड्ढे में गाड़ी को डाल दिया, जिसमें मेरा जवान भी दब गया था, तो हम चूँकि पीछे ही थे तो हमने जो है उसको निकाला है रेत में से, और जो ड्राइवर था वो भी उसको भी हमने पकड़ा, और ड्राइवर को ले जाके सबसे पहले हमने थाने पे खड़ा किया, इसके बाद फिर टीआई साहब को लेके और हम लोग आए हैं, और टीआई वगैरह सब मौके पे आ गए हैं, और ट्रैक्टर ट्राली और ये ट्रैक्टर वाहन जो है ये मौके पे पड़ा है, इसको जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। निवाड़ी से ब्रजेश तिवारी के साथ जमील खान की रिपोर्ट।